जायफल है जो हमने कूट लिया है, ये जायफल है और ये 3 टीस्पून लाल मिर्च लिए हमने, ये जीरा दिया है 1 टीस्पून जीरा, ये हमने हल्दी है ये अजवाइन 1 टीस्पून अजवाइन लिए, ये कुटी हुई मिर्च, ये 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, ये गरम मसाला पिसा हुआ भुना हुआ, ये नमक हसबे ज़रूरत आप लीजिएगा, मैंने भर के लिया है 1 टीस्पून, और ये जो हमने सारे मसाले बनाए हैं आपको बताए हैं वो सब हम इसमें शामिल कर देंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ आपको, 3 टीस्पून हमने लिए हैं लाल मिर्च पिसी हुई, 2 टीस्पून लिए हमने कुटी हुई मिर्च, और हल्दी लिए हैं हमने 1 टीस्पून, ज़ीरा लिया है हमने 1 टीस्पून, और नमक लिया है हमने 1.5 टीस्पून, और अजवाइन लिया है हमने 1 टीस्पून, जायफल लिया है हमने आधा कुटा हुआ पीस लिया था उसे, ये लहसुन है 3 टीस्पून है क्योंकि ये फिश जो है हमारी 1.5 किलो है, मैंने ये धोतर फिश ले ली थी 1.5 किलो का पूरा, तो ये इसलिए हमने 3 टीस्पून इसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये देखिए ये 2 नींबू हैं, ये हमने इसमें शामिल करने थे लेकिन ये सूख गए हैं इसलिए मैं इन्हें नहीं डाल रही हूँ, इसके बदले मेरे पास सिरका है, अगर आपके पास नींबू ना हो तो आप सिरका भी ऐड कर सकते हैं इसमें इस तरीके से। ये आधी प्याली मैंने बेसन लिया है, बेसन के अंदर हम जर्दे का कलर 1 टीस्पून डाल देंगे क्योंकि बाहर जो हम फिश खाते हैं उसके अंदर मसाले के साथ जर्दे का कलर डाला जाता है, जब ही इतनी अच्छी सी लगती है, ये बेसन और जर्दे का कलर है, और ये हमने इसके अंदर जर्दे का कलर और बेसन है आधी प्याली, ये भी हमने इसमें शामिल कर दिया। ये देखिए हमने फिश को मसाला लगा लिया है, अब इसको 2-3 घंटे के लिए हम रख देंगे ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए। Gracias.